हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आप लैपटॉप या फिर पीसी का यूज़ करते हैं उसमें दोस्तों आप कोई भी फाइल को, जैसे मान लीजिए वहाँ पे लोकल डिस्क ई सी या फिर डी एफ जिसमें भी दोस्तों आप रखते हैं, उससे अगर डिलीट हो जाए तो उसको आप वापस कैसे ला सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम अपना दिस पीसी जो है इसको हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद सिंपली दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो लोकल डिस्क डी और ई में, यहाँ पे सी में तो यहाँ पे जो है वो सिस्टम का फाइल होता है, डी और ई में ही लगभग सब लोग फाइल अपने रखते हैं। तो जैसे कि दोस्तों हम कोई भी फाइल यहाँ पे, जैसे डी में जो अभी फाइल है कोई, हम एक फाइल यहाँ पे डिलीट करके आपको रिकवर करके दिखाते हैं कि आप लैपटॉप या फिर पीसी में अगर कोई फाइल को डिलीट कर दें तो उसको रिकवर कैसे करते हैं। यहाँ पे दोस्तों हम एक फाइल को कोई भी डिलीट कर लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये वाला फाइल है, यहाँ पे लोकल डिस्क देख सकते हैं, लोकल डिस्क जो डी में है और यहाँ पे एक मोबाइल का फोल्डर बना है, इसके अंदर एक फाइल है। अब दोस्तों इस फाइल को हम यहाँ पे अपना माउस से राइट क्लिक करके, और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे हम डिलीट कर देते हैं। जैसे ही दोस्तों ये फाइल हम डिलीट करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं इस फोल्डर से ये फाइल जो है यहाँ पे हट गया है। अब दोस्तों उस फाइल को हम फिर से वापस लाना चाहते हैं तो उसको आप कैसे लाएंगे, तो यहाँ पे दोस्तों इस फाइल को यहाँ पे आपको मिनिमाइज या फिर कट कर देना है। यहाँ पे आप चाहें तो कट भी कर सकते हैं या फिर मिनिमाइज करके छोड़ दें। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको नीचे देख सकते हैं रिसाइकल बिन का एक ऑप्शन मिलेगा, सिंपली आपको रिसाइकल बिन डबल क्लिक करके यहाँ से ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद सिंपली दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हमने जो अभी फाइल डिलीट किया था वो यहाँ पे आ चुका है। अब दोस्तों इसको रिस्टोर करने के लिए यहाँ पे करना क्या पड़ेगा, सिंपली इस पर एक बार टैप करके और यहाँ से दोस्तों आपको फिर से माउस पे राइट क्लिक करके, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे रिस्टोर का एक आपको यहाँ पे देख सकते हैं एक आपको ऑप्शन मिल रहा होगा, सिंपली इस पर क्लिक कर देना। जैसे ही दोस्तों आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे देख सकते हैं ये फाइल जो यहाँ पे था वो यहाँ से हट चुका है। अब इसको हम कट करके चलते हैं फिर से अपने फाइल में। यहाँ पे दोस्तों फिर से हम दिस पीसी जो है वो ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद सिंपली दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं लोकल डिस्क डी में हमारा फाइल था, यहाँ पे मोबाइल का एक फोल्डर था, इसमें एक फाइल था, वो देख सकते हैं मोबाइल का फोल्डर में ये जो फाइल हमने डिलीट किया था वो यहाँ पे वापस आ चुका है। दोस्तों आप चाहे कोई भी फाइल को यहाँ पे डिलीट अगर करते हैं उसको दोस्तों आप रिस्टोर आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे दूसरा भी कोई एक फाइल हम आपको डिलीट करके दिखा देते हैं। यहाँ पे दोस्तों हम फिर से इस फाइल को यहाँ पे सेलेक्ट किए, यहाँ पे दोस्तों हम डिलीट वाले पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे तीन फाइल था, अभी दो फाइल बचा है, एक फाइल डिलीट हो चुका है। अब फिर से दोस्तों इसको मिनिमाइज करके हम यहाँ पे रिसाइकल बिन जब ओपन करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं वो फाइल जो है हमारा रिसाइकल बिन में आ चुका है। अब दोस्तों इसको हम फिर से चाहें तो यहाँ से हम क्लिक करके इसके रिस्टोर वाले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो फाइल है वो यहाँ जाके फाइल में हम अपना क्लिक करेंगे। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं हमारा जो तीन फाइल था वो वापस यहाँ पे आ चुका है। तो इस तरह से चाहें दोस्तों कोई भी आप पीसी या फिर लैपटॉप में अगर गलती से आपसे फाइल डिलीट हो जाता है तो उसको दोस्तों आप आसानी से रिस्टोर कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।